बुलंदशहर प्रधान डाकघर के अधीक्षक टीपी सिंह ने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। दरअसल सीबीआई ने एक दिन पहले ही भ्रष्टाचार के आरोप में डाकघर में छापेमारी की थी। इस दौरान टीपी सिंह से सीबीआई ने पूछताछ की थी। बताया जा रहा है कि वो सीबीआई की पूछताछ के बाद परेशान थे और इसलिए उन्होंने खुद को गोली मार ली। आपको बता दें कि टीपी सिंह ने मरने से पहले एक सुसाइड नोट लिखा था, जिसे उन्होंने डाकघर के व्हाट्सएप ग्रुप पर और एसएसपी अलीगढ़ को भेजा था, जिसमें टीपी सिंह ने लिखा है कि मैंने 16 दिसंबर 2021 को डाकघर अधीक्षक बुलंदशहर का कार्यभार ग्रहण किया। इसके बाद से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा। टीपी सिंह ने अपने सुसाइड नोट में कुछ लोगों के नाम लिखे हैं, जिसमें सुरेश कुमार निवासी सैदपुर बुलंदशहर, मनोज तत्कालीन उप डाकपाल, योगेंद्र सिंह पूर्व मेल ओवरसीपर, बनवारी लाल पूर्व मेल ओवरसीपर और उनके 3 बेटे अरुण, वरुण और टेकचंद शामिल हैं। ये लोग मुझ पर अनियमित कामों का दबाव बना रहे थे, आए दिन धमकी देते हैं। सुरेश कुमार उनकी पत्नी कार्यालय में हमला कर चुकी हैं। इससे तंग आकर सुसाइड कर रहा हूं। मेरी मौत के लिए यही लोग जिम्मेदार होंगे। आपको बता दें कि बुलंदशहर डाकघर के अधीक्षक टीपी सिंह मूल रूप से अलीगढ़ के अकरावत गांव के रहने वाले थे। बना देवी के सुरक्षा विहार उनका अपना आवास था, जहां उन्होंने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। मरने से पहले ये सुसाइड नोट उन्होंने डाकघर बुलंदशहर के व्हाट्सएप ग्रुप पर भी डाला था और एसएसपी को भी भेजा था। सुसाइड करने के दौरान टीपी सिंह घर पर अकेले थे, परिवार के लोग त्योहार पर बाहर गए हुए थे। बहरहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुटी है। आपको बता दें कि सीबीआई गाजियाबाद के एंटी करप्शन यूनिट ने एक दिन पहले ही बुलंदशहर के प्रधान डाकघर में छापेमारी की थी। इस दौरान करीब 10 घंटे तक डॉक्यूमेंट्स की जांच की। दरअसल सीबीआई को शिकायत मिली थी कि डाक विभाग के कर्मचारी रिश्वत लेकर बिल पास करते हैं। इसी को लेकर सीबीआई की टीम ने छापेमारी की थी। इस छापेमारी के दौरान सीबीआई टीम ने डाकघर के अधीक्षक टीपी सिंह से भी पूछताछ की थी और अपने साथ कई अहम दस्तावेज ले गई थी। इसी छापेमारी के बाद अगले दिन सुबह 10 बजे के करीब डाकघर अधीक्षक ने अलीगढ़ अपने आवास पर खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। टीपी सिंह ने सुसाइड नोट में जिन लोगों पर आरोप लगाए हैं, वो अभी फरार हैं। पुलिस अब मामले की जांच में